मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हुई संचरे, साले सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हुई संचरे, साले सकल शरीर। दोस्तों, कबीरदास जी के इन दोहों को हम आम जीवन में कभी न कभी अवश्य प्रयोग करते हैं। जैसे इस दोहे का अर्थ है कि अगर हम किसी से मधुर वाणी में बोलते हैं तो वह वचन उस व्यक्ति के लिए दवा के रूप में काम करते हैं। अगर हम किसी से कड़वे बोल बोलते हैं तो जब ये बोल कानों के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं तो वह सारे शरीर को तीरों के समान भेद डालते हैं। जिंदगी में मीठी बोली बहुत महत्व की चीज है, कड़वी बोली तो जीवन में बहुत ही बुरी मानी गई है। जो लोग मधुर वाणी बोलते हैं वे सबको प्यारे होते हैं। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कोई औषधि रोगी को स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार यदि पीड़ित, परेशान, बिह्वल और कुछ बड़े अनमने व्यक्ति से भी मीठी वाणी में बात किया जाए तो उसे तसल्ली मिलती है, उसे शांति मिलती है, उसे सुख मिलता है। इसके विपरीत अगर किसी शांत व्यक्ति से भी कड़वी वाणी में बात की जाए तो कड़वी बोली उसे पीड़ित कर देती है, ये तीर के समान उसे चुभती है। जैसे तीर लगने से हृदय पीड़ित होता है, उसी प्रकार कड़वी बोली कान के मार्ग से हृदय तक पहुंचती है और व्यक्ति को अशांत करती है। पहुंचती तो कान के मार्ग से हृदय तक है लेकिन सारे शरीर को पीड़ित करने लगती है। इसलिए मीठी बोली सदैव बोलना चाहिए, कड़वी का त्याग करना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर। साले सकल शरीर, साले सकल शरीर।